सो गाइज, रिसेंटली मैंने अपनी टाटा नेक्सॉन एग्जेड प्लस का इंजन बे क्लीन किया था डीजल से. सो बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि हम अपनी गाड़ी का इंजन बे कैसे क्लीन कर सकते हैं डीजल से, और क्या वो सेफ़ है नहीं है. सो सारी चीज़ों को मैं आपको अभी बताऊंगा, और मैं एक और कार को अभी अपनी दूसरी कार को अपनी डीजल से ही साफ़ करने वाला हूँ इंजन बे को. और आप वीडियो देखिए, उसमें मैं सारे आपको प्रोसेस बताता हूँ कि आप कैसे अपनी कार के इंजन बे को डीजल से साफ़ कर सकते हो. तो हम सारी वायर्स को रिमूव कर देंगे जो भी हमारी बैटरी टर्मिनल पे लगी हुई हैं, प्लस हम पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का हटा देंगे सेफ़ साइड के लिए. और डीजल से साफ़ करना सेफ़ है, बट आपको बैटरी टर्मिनल्स निकालने होंगे. प्लस आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपका इंजन जो है वो गर्म ना हो. आप कहीं से ड्राइव करके आए हुए हैं और एकदम से आप उसको वॉश करना ना शुरू कर दें. सो गाड़ी का इंजन बिल्कुल ठंडा हो, गाड़ी खड़ी हो 1-1.5 घंटे से, ताकि कोई इशू ना आए और आप इजीली उसको डीजल से साफ़ कर सकते हैं. उस चीज़ में कोई इशू नहीं है, और बस आपको स्प्रे करना है और ब्रश यूज़ करनी है, उससे क्लीन करते रहें. और बहुत ज़्यादा भी डीजल को स्प्रे नहीं करना है आपने. आपको जितना रिक्वायर्ड है, आपको लग रहा है कि इतने स्प्रे से वो पार्ट क्लीन हो चुका है, तो आप दूसरे पार्ट की तरफ मूव कर जाएंगे. सो डीजल से साफ़ करने के बाद आपको एक वेट क्लॉथ लेना है, और उससे आप पूरे ही इंजन बे को क्लीन करेंगे. जहाँ जहाँ आपने डीजल को स्प्रे किया है, उसको आप गीले कपड़े से साफ़ करेंगे. और साफ़ करने के बाद आप उसको थोड़ी देर सूखने देंगे. डायरेक्ट सनलाइट में भी आप उसको छोड़ सकते हैं कार को, और उसको सूखने दें. और सूखने के बाद जो है, आप उसके बाद आप चाहें तो उस पर पॉलिश भी कर सकते हैं, और एंड रिज़ल्ट आपके सामने होगा.